अबू जी आज हम आए हैं भावलपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर। तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है ये है बस्ती छम्पकुलियार, ये उसका छोटा सा एक शहर है। तो अबू जी हम लोग अब घर आ चुके हैं। जी जी, साफी वाली औरत हमें जो एक मिली थी वहाँ पे बेचारी साफियाँ बेच रही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड डर चुके हैं तो मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं 5 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं निकली हूँ, मेरी मजबूरी है। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है बाजी आपका? ठीक है आप जी? बच्चे ठीक हैं? ये आपके बच्चे हैं? जी, 5 बच्चे। अच्छा, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। ये सबसे छोटी बेटी है? अच्छा, वो भाई जान है तो चलो सबसे पहले बैठते हैं। ठीक है, बिठाने के लिए कोई बात नहीं है बाजी का। आप बताएं कि अब हम आपके घर पहुंच गए हैं, उस दिन जब आपको बाजार में मिले थे आपको यकीन था कि हम आपके घर पहुंच जाएंगे? नहीं, मुझे यकीन नहीं था, मुझे भरोसा नहीं था कि बाजी आ जाएंगी। शुक्र आप आ गई हैं। देख ले, फिर आपका घर भी ढूंढ लिया है और आपके घर आ भी गए हैं। भट्टे पे काम करता था, ईंटों के भट्टे के अंदर गिर गया था। अच्छा, वजह से ना पूरे जिस्म जो है। अल्लाह खैर, मुझे देखिए जरा दिखाना सरफेस बचा हुआ है, बाकी सारा जला हुआ है। तो मेहनत मजदूरी करता था, जी जी मजदूरी पे भी जाता था, मिस्त्रियों के साथ जाता था, उसके बाद जब से जला। अच्छा अच्छा, इसलिए छोटे छोटे कोई है नहीं करने वाला। जी जी, कितने साल पहले आप जले थे? भट्टे में गिर गए, पूरा जिस्म जल चुका है। जी जी, सिर्फ मुंह बचा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुंह को, फिर भी मुंह कैसे बच गया था? ये उल्टी साइड में गिरा था। अच्छा, उल्टी साइड पे गिरा था, भट्टे के अंदर ही गिर गए थे। अल्लाह ख्याल करे, तकलीफ तो बहुत ज्यादा हुई होगी। कितना अरसा आप अस्पताल में रहते? तकरीबन 6-7 महीने। अच्छा, बाद भी सही नहीं हुआ था, फिर मुबारकपुर में हकीम है उसने इलाज करा मेरा, फिर जाके सही हुआ, उसने भी अल्लाह के नाम पे यानी जो ने इलाज किया। अच्छा 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 अच्छा, चलो अल्लाह ताला उसको भी जजाए खैर देगा। और ये सदका जारिया है, आप देखें कि आप कुछ आप रोजी लायक हो गए हैं तो जितना भी सवाब मिलेगा उसको भी इंशाल्लाह उसके साथ ही मिलेगा। तो बेटा ये देखें, इन्होंने माशाल्लाह घर भी माशाल्लाह, ये देखें ईंटें वगैरह रखी हुई है। हाँ ये बाजी कल अकेली हो गई, जी जी, इसलिए वो नहीं बना पाए। तो बाजी आपके लिए कुछ खबरी है, आइए आप। ये भाई हैं, तो आज हमने इनको ये सामान वगैरह लेके दे दिया है, इंशाल्लाह इनके घर ले जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे रेडी। कौन कौन सा सामान है मुझे सामान दिखा दें? ये एक ये बड़े वाला पतीला लिया है हमने, और एक ये लिया है, एक एक चावल, एक चावल के लिए, और एक चने बनाने, चने चावल की रेडी बनानी है। चने चावल की रेडी लगा। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं। जी जी, आप ही आ जाएं भाई जान, आ जाएं, आपके हम घर में ही ले आए हैं। माशाल्लाह, ये नई रेडी है, क्योंकि बाजी जी ने हमसे कहा था कि मेरे हस्बैंड जल चुके हैं, हमने कहा कि हम रेडी लेकर चलते हैं, हमने आके एक दिन पहले देखा तो बाजी सच बोल रही थी, बाजी झूठ नहीं बोला था, उनके हस्बैंड वाकई में जल चुके थे। हमने कहा मैं खाना बना के अपने हस्बैंड को दे दिया करूंगी, बाहर गली में ठहर के चावल छोले, हाँ बिल्कुल चावल छोले बेच लेंगे, क्योंकि आप वो धूप में काम नहीं कर सकते। माशाल्लाह, इतना एहसास करने वाली बेगम हो शोहर को और क्या चाहिए, क्या चाहिए, बिल्कुल। चलो, और ये माशाल्लाह अच्छी वाली सीट हम लेके आए हैं, और नहीं नहीं एहसान वाली तो कोई बात नहीं है। जी जी, बिल्कुल ये उतार दो शॉप इसके। हाँ बनता है ना, जी ये भी लिया था साथ में। जी जी, एक चावल के लिए, एक चम्मच के लिए पतीला, और ये बड़ी छोटी प्लेटें, जी बेटा प्लेटें, चमचे, चमचियां, जी जी, बड़ी छोटी प्लेटें, और कूलर भी। माशाल्लाह, रेडी का सामान पूरा हो चुका है। जी जी,
ये आप लोगों की मेहरबानी है। हम तो कोई आश्रय नहीं था कमाने का और जरिया नहीं था, जी जी। आप लोगों ने ये रेडी लगवा दी है, मेहरबानी आप जी, 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 जी। इंशाल्लाह अब्बा जी घर में बाइज्जत तरीके से बैठेंगी जी जी। और भाई जान बाहर कमाने के लिए जाएंगे, बल्कि जा तो कहीं सकते ही नहीं है क्योंकि इनके जिस्म की हालत है बहुत खराब है कि ये बाहर कमाने के लिए जाए, बस गली में ठहर जाया करेंगे छाँव में। तो सुबह सुबह वैसे भी चने चावल सुबह सुबह बिकते ठंडे टाइम, तो बेच के अपना घर अपनी रोजी कमा करे। ये बहस करवाते मैं चने चावल ये पका के अपने शोर को दे दिया करूँगी। जी जी। आपका एहसान है, आपने ये जो कारोबार मेरे बच्चों का ये जरिया बना के दिया है। जी जी। तो आपको बहुत ज्यादा दे अल्लाह ताला आपको, सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला आपको, मेरे शोर को ये काम करवा के दिया है। चले, इसके अलावा आप वैसे भी अबू जी चने चावल सुबह के वक्त बिकते हैं जी जी। तो इंशाल्लाह ठंडे टाइम वो सुबह सुबह जाया करेंगे, बाजी जी पका के दे दिया करेंगे। सारा सामान पूरा हो चुका है, अब जी जी। पकाने हैं और इन्होंने बेचना। जी 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 जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना इसके अलावा बाजी जी आप घर तो बैठ जाएंगी, भाई जान सुबह सुबह मजदूरी करके भी आ जा जाएंगे। इसके अलावा आप कपड़े सी लेती हैं? जी सिलाई कर लेती हूँ मैं। अच्छा सही है, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको मशीन भी लेकर देंगे ताकि घर में आप जब बैठे तो सिलाई कर लिया करें। भाई जान सुबह सुबह चने चावल बेच के आ जाया करेंगे, फिर अच्छा घर का सर्कल इंशाल्लाह चल जाएगा। ये सदका जारिया है, इंशाल्लाह इनकी जब नस्लें तक आएंगी तो ये दुआ देंगी, ये दुआ देंगी। तो ये दुआएं अर्श तक जाती हैं क्योंकि इनके पास वसीला नहीं था जी जी। कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ सके, बिल्कुल बेचारे रुक गए थे। तो बहन हमारी बाहर जा रही थी, हमें सड़क पे भावलपुर मिली थी, वहाँ से हम इन्हें ढूंढते 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 इनके घर पहुँचे हैं जी जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ने रेडी भी लगवा कर दी है जी जी। तो काम इनका आज मुकम्मल किया है जी जी। से तो इनके माशाल्लाह पांच बच्चे हैं छोटे छोटे, ये तीन ये थे और बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत बेटियां हैं। और कितनी बेटियां हैं? चार बेटियां हैं और माशाल्लाह क्यूट बेटियां हैं और एक बेटा है। चल अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और बेटे की उम्र दराज करे। तो ये बेटा है, ये आ गया है। 10 साल बाद हमें जीने का सहारा मिला, ये काम खुलवा के दिया जी जी। ये तो, मैं कह रही है कि ये रेडी नहीं, ये हमारी जीने की उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इनका रोजगार है, ये इनके जीने का सहारा है। अब इंशाल्लाह आगे ये खुद तरक्की कर लेंगे जी जी। चलो ठीक है, बाद जब आप चावल और चने लेंगे ये हमारी तरफ से है, ठीक है ना। ये 3,000 है, आप रख लें। ये पहली बार जो चने और चावल लेंगे ना, ये हमारी तरफ से लेंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह और उसके बाद फिर आप, क्योंकि सेल होती रहेगी तो आप इसको बढ़ाती रहेंगी, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मसला हो तो फिर हमारा फोन नंबर आपके पास है।